तो ये मेरे छोटे छोटे दो ट्रंक है, आप लोगों ने पहले वाले वीडियो पे मेरे बड़ा सा जो ट्रंक देखा हुआ है ये उससे एकदम छोटा है। तो इसी को मैंने टीवी यूनिट बना के रखा था ताकि जब तक मैं टीवी यूनिट ले नहीं लेती हूँ तब तक ये काम वाम चल जाए मेरा। तो इसी को मैंने बना के रखा था। तो मैं बस जैसे कि लोकल मार्केट से ही मैंने टीवी यूनिट ख़रीदा है तो मैं ऑर्डर करके आई हूँ, वो लोग होम डिलीवरी दे रहे हैं। तो आने के पहले मैंने ये जगह को क्लीन करके साफ़ कर दिया है ताकि आने के साथ ही साथ मैं इसको उधर रख दूँ। तो वो लोग भी आधे घंटे बाद ही आ गए थे। और ये रहा मेरा टीवी यूनिट जो मैंने इधर ही लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ है। और ये जो है मैंने फ्लिपकार्ट में देखा हुआ था। मैंने पहले सोचा था कि फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करते हैं और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं आ रहा था, 5790 रुपीज़ ही आ रहा था। लेकिन मैं ऐसे ही मार्केट में गई तो लोकल मार्केट में इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने 5000 बोला और लेकिन उन्होंने मेरे को 4000 में इसको दे दिया। तो हो गया मेरा प्रॉफिट, तो इसीलिए मैं इधर से इसको लेके आई। और जो मेरा इम्पॉर्टेंट था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने सोचा था जो कप वगैरह होते हैं, ग्लास वगैरह होता है, डिनर सेट वगैरह होता है, उसको रखने के लिए ही मेरे को एक स्पेस भी चाहिए था और मेरा लैपटॉप वगैरह रखने के लिए भी जगह नहीं था। तो वो भी मेरा अभी हो गया है। तो इस टीवी यूनिट का और एक जो अच्छा वाला इसका पार्ट है कि मैं इसके ड्रॉयर को निकाल सकती हूँ, फिर से उसको लगा सकती हूँ। जैसे छोटे छोटे ऊपर वगैरह होते हैं तो मैं इसके अंदर भी उसको रख सकती हूँ। मैंने बोला था उनको कि इधर ग्लास लगा सकते क्या, फिर उन्होंने समझाया कि मैम इसको आप निकाल नहीं पाओगे ग्लास लगाने के बाद। तो मैं इसको ऐसे ही लेके आई। तो मैंने बस ऊपर में ऐसे थोड़े से जो तार वगैरह दिख रहा था, ये डेकोरेशन के सामान आपने मेरे पहले भी बेडरूम मेकओवर में देखा ही होगा, उसी का है। वो टेबल मैंने साइड से हटा दिया है क्योंकि अभी ये आ गया तो अभी इसको रखने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस उसी को मैंने तार के आगे रख दिया और साइड में ऐसे डेकोरेशन कर दिया। और आपको तो पता ही है मेरा फेवरेट पार्ट लाइट्स, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। और अभी तो फिलहाल इसमें मैं बुक्स वगैरह भी रख सकती हूँ, पर अभी इतना ही। और डेकोरेशन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। तो आइए देखते हैं।